नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बिलाड़ी में, जहां पर आज शीतला माता का मेला बड़े हर्षोल्लास के साथ भर रहा है। लक्खी मेला ये होता है हर साल, लेकिन इस बार जो कोरोना गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ये मेला भर रहा है। हालांकि प्रशासन पूर्ण रूप से पाबंदी इस मेले पर लगा रहा है, लेकिन जो श्रद्धालुओं की जो आस्था है उसको देखते हुए श्रद्धालु यहाँ शीतला माता के धोख देने के लिए, मनोती मांगने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और मैं इस समय जो खड़ा हूँ वो शीतला माता के मंदिर के बाहर खड़ा हूँ। मंदिर के बाहर का नज़ारा है इस समय आप जो देख रहे हैं। वो श्रद्धालु भी यहाँ लगातार यहाँ मंदिर में आकर भोग लगा रहे हैं और ठंडे व्यंजनों के माता के भोग लगा रहे हैं। हम आपको जो अंदर की जो स्थिति है माता के, जो जहाँ ठंडे व्यंजनों का भोग लगाया जा रहा है वहाँ की स्थिति कैसे भी आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। बिलाड़ी ग्राम पंचायत में स्थित शीतला माता का मंदिर का अंदर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, और आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ भीड़ नज़र आ रही है। जबकि कोरोना काफ़ी सक्रिय है, काफ़ी तेज़ी से इस समय बढ़ रहा है, उसको देखते हुए मेरे पीछे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जो शीतला माता का जो मंदिर है इस समय, वो आप इस समय उसका नज़ारा इस समय देख सकते हैं। सर, आज आप यहाँ जैसे आए हैं शीतला माता के मंदिर में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे सर, वैसे प्रशासन ने रोक लगा रखी है, फिर भी पब्लिक माता की बहुत आ रही है। कल भी बहुत आई थी, आज भी आ रही है। सर, जिस तरीके से माता की आस्था है लोगों में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे सर, माता की आस्था के लिए है, सभी भक्तजन है ना, जो अपने धोख देके, और जैसे माता जैसे घूमड़ी पुंसी ये नहीं होती हैं, इसलिए सभी लोग माता के दर्शन करने आ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, लोगों की जिस तरीके से आस्था बनी हुई है उसको देखते हुए काफ़ी लोग यहाँ माता के आने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ लगातार भक्तगण मौजूद हैं, जो कि शीतला माता का जो इस समय जो लक्खी मेला भरता था, इस बार कुछ कोरोना काल की वजह से नहीं भर पाया है, लेकिन फिर भी कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जो शीतला माता है क्या इसका इतिहास है, क्या इनकी मान्यता वगैरह है, इनको बताने के लिए हमारे साथ एक श्रद्धालुगण है। क्या नाम है सर आपका? सुभाष जी प्रजापत जी। सुभाष जी, ये बताइए कि जो माता की मान्यता है क्या है, इसकी मान्यता है? ये मतलब बुजुर्गों का कहना है कि शुरू में जब ये प्रकट हुई थी यहाँ पे पहाड़ पे हुई थी पिछले, तो वहाँ एक भगत गया था बकरी के लिए झाड़ा काटने के लिए, तो जैसे वो पहाड़ी पे खाड़ कुलाड़ी चलाने के लिए गया तो वहाँ एकदम पूरा पहाड़ हिल गया था। हिलते ही फिर वो प्रकट हुई, बोले डरे मत, मैं ही हूँ। बोलो तो बोले माता मैं डर गई, क्या चाहिए? कहते मैं यहाँ प्रकट होने चाहती हूँ। तो कहते मैं क्या सेवा करने चाहती हूँ? बोले आप ये करो कि मेरी सेवा करो, और आपका जो भी कष्ट जो भी दुख है, बच्चों का जो भी माता निखड़ा हुआ है या कुछ भी रोग हो जाए, वो मैं सब वो करूँगी, मेरी सेवा करे दो। ठीक है, उसने फिर बाद में यहाँ वहाँ ला के कुलकंडा वहाँ कई साल पूजा की, फिर उसके बाद में फिर यहाँ ले आया उसको। आँख में फूला पड़ जाए तो चांदी की अंगूठी लो और सपड़ावा लगा के फेर ले जाओ, वो फूला भी कट जाएगा, आँखों से दिखने लग जाएगा। इसकी ये मानता है साहब, अरे हम तो अगर इसका पैरों के लगे हुआ अभी ये दाना मुंह में ले लेते हैं, क्यों? अगर नहीं खाएंगे तो हमको बर्बाद कर देगी ये। घृणा नहीं करनी चाहिए इसकी, अगर घृणा कर दिया तो हमारे को बर्बाद कर देगी, ये बात है। छोटे बच्चों की भी यहाँ काफ़ी मान्यताएं हैं, और आप देख सकते हैं एक छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा जो कि मंदिर में धोख दिवा कर लाए, क्या मान्यता है इन बच्चों की, हम इनसे जानने की कोशिश। क्या नाम है सर आपका? रमेश चंद। रमेश जी, ये बताइए कि जो छोटे बच्चे हैं अपन माता की धोख दिलाते हैं, इनकी क्या मान्यता है? जैसे इनकी ये मान्यता है कि छोटे बच्चे की, हर बच्चे कहीं का भी हो ये इनकी जात लगती है, दो 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 मेले भरते हैं ना, इनमें जात जरूर लगती है इनकी, क्यों बच्चे बीमार नहीं होते ज़्यादा कर, बस ये यही लगती है, जड़ूला उड़ूला ये सब यही लगता है। तो आप देख सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी जात वगैरह की शीतला माता के यहाँ लगती है। उसके बाद ऐसी मान्यता है कि बच्चे सकुशल रहते हैं शीतला मेले में। इस समय जो सुरक्षा व्यवस्था जो बनाए हुए हैं वो पुलिसकर्मी एएसआई साहब हमारे साथ मौजूद है बानसूर थाने से, इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की मेले को लेकर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सर, आज जो शीतला माता का जो मेला बन रहा है इसको लेकर कितने पुलिसकर्मी जहाँ मेले वगैरह में लगाए हैं? मेले में कुल जो अपने पुलिस थाने से 15-20 आदमियों का स्टाफ लगा हुआ है, लेडीज पुलिस वगैरह है। सर, अभी जो मेले को लेकर किस तरीके की पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्था है सर? जैसे जबकि सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मेले वगैरह सब बंद है, फिर भी इस तरीके से सर हो रहा है, फिर इस बारे में? सरकार की गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, डिस्टेंस का ध्यान रखा जा रहा है,
इससे व्यवस्था भी सही है, भीड़ भाड़ एकत्रित इकट्ठे आदमी नहीं होने दे रहे, हमेशा जो अपनी जात वगैरह दे रहे उनको चलते जा रहे हैं, रुकने नहीं दे रहे। तो ये थे हमारे साथ बानसूर थाने से एएसआई साहब, जो कि बता रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों में शीतला माता की जो आस्था है उसको देखते हुए पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और लगातार लोगों को यहाँ इकट्ठा नहीं होने दे रहे, रुकने नहीं दे रहे इनको, और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह और जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कोरोना काल में ये मेला भर रहा है, इस समय शीतला माता का लक्खी मेला भरता था, लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से ये मेला नहीं भर पाया है और जो लोगों की आस्था है केवल जात और जडूले यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजेश है। सर पहले कोरोना से पहले भी जैसे मेला भरता था और अब भी मेला भर रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे अब की बार कोई वो नहीं है, कोरोना की वजह से मेला ठीक नहीं भर पा रहा है, दुकानदार परेशान है, मजदूरी करने वाले आदमी हैं उनका पेट नहीं भर पा रहा है, मजदूरी नहीं बन पा रही है, कहीं दुकानें लगाने देते हैं कहीं नहीं लगाने देते हैं। सर क्या नाम है आपका? रिक्की पटवा। सर अभी जो मेला भर रहा है क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे की बात बहुत हल्का है, कोरोना की वजह से कुछ भी ले इस बार बहुत हल्का मेला है, इस वजह से कोरोना की वजह से आधा मेला भी नहीं है साफ। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मेला है वो इस बार नहीं भरा है कोरोना के चलते, लेकिन जो जातरु हैं वो अपनी जात जड़ूले बच्चों के इस तरीके से वो उतारने के लिए यहाँ पहुँच। शीतला माता के अनेक मान्यताएं हैं, उस मींडा भी यहाँ माता के चढ़ता है, वो किस तरीके से चढ़ता है, क्या मान्यता है इस मींडा की, हम जानना चाहेंगे भक्त से। क्या क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष जी प्रजापता जी। सर ये जो मींडा वगैरह जो चढ़ता है ये क्या मान्यता है इसकी? ये मतलब हर साल आते हैं, यानी जो मनोकामना पूरी करते हैं जब ये मींडा सजाते हैं, कभी मुर्गा सजा देते हैं कभी मींडा सजा देते हैं, और कभी इनको मना जैसे कोई मन इच्छा हो वैसे करते हैं इनको, ये सटा के जाते हैं, हर बार आते हैं ये, हर साल आते हैं ये। अब की बार इन्होंने जो भी मनोकामना पूरी की वो कोई गलती होगी नीचे, जो अब की बार ये मिंडा काफ़ी देर से खड़ा है, बाकी छह ले के आए थे ये पाँच, तो ये उन्होंने मंदिर में छड़ा दिया, फड़फड़ी मार ली और एक बाकी रह रहा है, इनको काफ़ी नुला भी दिया काफ़ी वो कर दिया, इसने फड़फड़ी नहीं मारी अभी तक, तो ये इसके इंतज़ार में बैठे हैं, क्या पता इसने इन्होंने क्या गलती की क्या नहीं करी, लेकिन हर साल ये आते हैं, कभी कुछ लेके आते हैं कभी कुछ लेके आते हैं, तो ये छटा के जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मींडा भी माता के यहाँ चढ़ता है, और बता रहे हैं कि ये मींडा इस मुर्गा भी यहाँ चढ़ता है, और ये इस समय आप कैमरामैन से कहूँगा कि जो ये मींडा इस समय है वो चढ़ाने के लिए माता के हैं आए हैं, और ये कुछ लोग यहाँ मौजूद भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बाबा आप कहाँ से आए हैं? सेलगांव से आए हैं। कहाँ से? सेलगांव। अभी आप जैसे यहाँ आए हैं किस लिए आए हैं आप? जैसे इसके लिए आए हैं, माई का मत्थो टेकने का मींडो जी रहे हैं, छोरे को शादी करी जो यो गठजोड़े का मींडा ले आए हैं। और भी महिला भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो कैला नाम है, बाबूलाल मेरा धनी का नाम हुआ, कितनी मौत चले गए वो साथ में आयो नहीं, मींडा झील नहीं रहा, या कमी है। कैसे चढ़ाते हैं माता के जो मींडा वगैरह जो चढ़ाते हैं? अभी थोड़ा सा फड़फड़ी खा जाएगा तो यह झील जाएगा, और हमारा गठजोड़ा खुल जाएगा, या फड़फड़ी ना खाओगा तो हमारा गठजोड़ा भी बंद है, या कमी जरूरी है। अच्छा ऐसी मान्यता है कि अगर ये जर्जड़ी सी खा जाएगा तो आपका मींडा चढ़ जाएगा माता के? मतलब शादी होने के बाद इस तरीके से आप लोग करते हैं? हाँ, गठजोड़ा के साथ ही मींडा आता है खड़े मुंह का। आप क्या कह रहे हैं? मगर यह खौफ मना जाते, कोई गलती कसूरी पड़ जाओ, बच्चा भूल जाए चूक जाए कोई, उसने कोई माफ हो जाता है, या कोई जल्दी गलती हो जाती है इसकी बच्चों के लिए, यह बारह टापरिया भूल जाती है बखस जाता है, ये सर माँ इसी से गलती हो जाती उसके लिए बैठे हैं, हम दो मार के चले ही जाते हैं माई के लिए। आप क्या कह रहे थे बाबा? मगर इस लड़के का बाप था नहीं, वो चलेगा उड़ा वहाँ चलेगा मकान, ये बस बहुर छोरी ले कर बहु बेटा ने ले आई, तो मंजूरी मिंडो कर ले रही माई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो शीतला माता के जो मान्यताएं हैं वो यहाँ मिंडा भी शीतला माता के चढ़ता है, मुर्गा यहाँ चढ़ता है, और ये बता रहे हैं कि जो शादी जब होती है इन लोगों की उसके बाद गरजोड़े की जो जात होती है उसके साथ ये मिंडा यहाँ चढ़ाते हैं।
छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनका भी जड़ूला यहाँ चढ़ाया जाता है माता के यहाँ, और जो जड़ूला जो उतारते हैं माता के यहाँ वो पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जो शीतला माता का जो यहाँ जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जड़ूला भी उतरता है, कैसे क्या मान्यता है? नहीं होता है तो माता से मन्नत करते हैं, माता मेरे को एक बच्चा दे, मैं आपके जड़ूला उतराऊंगी, जब उतरवाते हैं वो। सर, अब तक सुबह से आप कितने लोगों के, कितने बच्चों के जड़ूले वगैरह उतार दिए? अब ये कोई गिनती नहीं है, गिनती नहीं करते वैसे, अभी तो शाम तक चलेगा ही, तीन दिन, चौथा रोज, पांचवा रोज है आज, ये बृहस्पति शुक्र शनि ऐत सोम, पांच दिन चल रहा है। जैसे एक बच्चे का कितना रुपए लेते हैं जड़ूले उतारने? वो इच्छा, इच्छा के ऊपर है, श्रद्धा अनुसार जो दे। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी मान्यताएं शीतला माता की हैं यहाँ पर, छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं उनके भी यहाँ जड़ूला चढ़ाया जाता है, और सुबह से काफ़ी भीड़ यहाँ लगी हुई है बच्चों के जड़ूले उतारने के लिए। बता रहे हैं पुजारी कि जिस तरीके की जो माता की मान्यता है वो इस तरीके की है कि यहाँ लोग आते हैं और मन्नत मांगते हैं, माता उनकी जब गोद भर देती है तो उन छोटे बच्चों का जड़ूला यहाँ उतारा जाता है, ताकि अनोखी अनोखी परंपराएं, लीलाएं यहाँ आपको देखने को मिल रही है। और हम इस समय माता के दरबार में खड़े हुए हैं, शीतला माता के दरबार में। हमारे साथ एक पुजारी जो कि अपन कह सकते हैं श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, वो मौजूद हैं हमारे साथ। ये जो भी श्रद्धालु जो गेट से बाहर आते हैं उनके ठंडे मतलब पानी के छींटे वगैरह लगाते हैं, सर जो छींटे आप लगाते हैं क्या मान्यता है इसकी? जैसे इसकी मान्यता ये है, ठंडा जल दे, शीतल जल होता है इसके, मतलब पवित्र हो जाता है आदमी इससे, इसकी ये मान्यता है। और सर, जैसे अभी बता रहे थे कि इस तरीके की भी मान्यता है माता की, ठंडे पानी की जो पुंसी वगैरह फोड़े फूल से होते हैं वो भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पानी है, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पानी है, बार बार इसका सपड़ावा भी ले जाता है लोग घर पर। आप देख सकते हैं कि लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और जो लोग यहाँ आते हैं उनके ठंडे पानी वगैरह के इस तरीके से ये मान्यता है, यहाँ पे छींटे वगैरह यहाँ लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब ठंडे पानी के ये लोग छींटे लगाते हैं, इस तरीके की जो पीड़ा वगैरह है वो माता उस पानी की वजह से हर लेती है। हमारे साथ ग्राम पंचायत बिलाली के सरपंच प्रतिनिधि हंसराज गुजर मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि जो आज बिलाली माता, जो शीतला माता है उसका जो मेला भर रहा है, किस तरीके की ग्राम पंचायत की ओर से तैयारियां की गई हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। मैं कहना चाह रहा हूँ ग्राम पंचायत की ओर से किस तरीके की तैयारियां वगैरह की गई है जो आज शीतला माता का जो मेला है उसको लेकर? कमेटी की तरफ से हमारी पूरी तैयारी है, और जो सरकारी गाइडलाइन है गाइडलाइन के अनुसार हमने जो पूरी सुविधा कर रखी है, ग्राम पंचायत तरफ से प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी आया हुआ है, उनकी फुल सहायता करी हमारी, और जगह जगह पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं हमारी भीड़ भाड़ के लिए, इकट्ठा नहीं है वो, आगे जो इकट्ठा हो रहे हैं उनको आगे पीछे कर रही है पुलिस वाले, और कमेटी की पूरी सहयोग है कमेटी का भी, और आप ग्राम पंचायत तरफ से भी पूरी सुविधा कर रखी है हमने, और जनता आ रही है मेले के लिए, इतना खिमेला है इसके लिए तो जनता आ रही है, जा रही है, मतलब सभी का है मेला, हम प्रश्न तो बढ़ा नहीं रहे, वैसे ये तो जात का मेला है, माता की मेहरबानी है, उसके लिए सभी के लिए आवेदन के लिए आने के लिए स्वागत है सबके लिए, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि हंसराज गुजर, जो बता रहे हैं कि सरकार की जो कोरोना गाइडलाइन के उसके अकॉर्डिंग यहाँ पुलिस प्रशासन वगैरह सब हमारी हेल्प कर रहे हैं, और मेला कमेटी है वो भी पूर्ण रूप से एहतियात बरत रही है, किसी प्रकार से कोई मंदिर परिसर में भीड़ इकट्ठी ना हो, किस तरीके से लोग यहाँ एक जगह एकत्रित ना हो उसको ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूप से मेला कमेटी और प्रशासन द्वारा लगातार सहयोग किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मुरारी के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।